हेलो दोस्तों, अवेयर IAS यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले संडे को हमने निबंध पूछा था, जिस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने निबंध लिखा भी है। निबंध था, जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी भी किसी से या किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। द बिग लेसन इन लाइफ इज नेवर बी स्केयर्ड ऑफ एनीवन और एनीथिंग। यह निबंध था जो हमने संडे को पूछा था। बहुत से कैंडिडेट ने निबंध लिखने का प्रयास किया है, उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना प्रयास शुरू किया है निबंध लिखने के लिए। बहुत से पुराने कैंडिडेट्स तो अच्छा निबंध लिख ही रहे हैं, पर इसके साथ में बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं, जो नए हैं, वो चाहते हैं कि हम बताएं कि निबंध को लिखा कैसे जाए, निबंध की शुरुआत कैसे की जाए, निबंध को कैसे पूरा किया जाए। तो इस बारे में थोड़ी चर्चा करते करते दिमाग में आया कि क्यों न एक सीरीज बना करके, सीरियल वाइज एक एक करके पॉइंट्स उठा करके आप तक जो जानकारी है निबंध के बारे में हमारे पास, वो आप तक पहुंचाई जाए। तो इस कड़ी में ये पहला प्रयास मैं कर रहा हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि आप एक आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि हमने लगभग 2 या 3 लाइव स्ट्रीम्स की है, तो उसमें हर बार मैंने ये कहा है कि आपको निबंध की आत्मा पकड़नी है। जो निबंध की आत्मा है उसके आसपास रहना है, ना तो उस आत्मा से बहुत दूर जाना है, ना ही उस आत्मा के खिलाफ या उस आत्मा के विपरीत किसी पॉइंट्स को लिखना है। हमें वही पॉइंट्स लिखने हैं जो उस आत्मा के संगत हो, या उस आत्मा को पोषित करता हो, या फिर उस आत्मा को सच में चुनौती दे रहा हो और कह रहा हो कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, या फिर कुछ मात्रा में गलत है, या कितना गलत है, ऐसा कुछ कहने की हिम्मत हो। वो भी दरअसल हम उस निबंध की विषय वस्तु के आसपास चलते हुए करेंगे। तो अब निबंध की रूपरेखा कैसे बनाई जाए इस बारे में, तो उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार इस निबंध के टॉपिक को पढ़ और इस निबंध की आत्मा को समझें। अब जैसे इस निबंध में क्या कहा गया है, जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी भी किसी से या किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ आत्मा ये है कि किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। अब इसके बारे में बात करनी है इस निबंध में। सबसे पहले तो हमने आत्मा को क्या पकड़ा, इस निबंध की जो आत्मा है या जो इस निबंध की जो विषय वस्तु जिसके आसपास रहनी चाहिए, वो है कि किसी से डरना नहीं चाहिए। तो इसके आधार पर हम अब इसकी आउटलाइन तैयार करेंगे। आत्मा का पॉइंट है डरना नहीं चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो सीखने का है, वो निबंध को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए निबंध के टॉपिक को, और समझिए कि दरअसल ये पूछ क्या रहा है। अगर वो पता चल गया तो उसके बाद में बहुत सारे झंझट आसान हो जाएंगे। फिर जो मेन पॉइंट रहता है, जिस पे आपको काम करना है, हम कहते भी हैं आपको, मैंने हर बार लाइव स्ट्रीम में कहा कि आप निबंध की आउटलाइन बना करके जो PDF हमें भेजते हो टेलीग्राम चैनल पर, उस PDF में साथ में डालिए। इससे क्या होगा कि आपकी आदत पड़ेगी निबंध की आउटलाइन बनाने की, रूपरेखा बनाने की एक आदत पड़ेगी। जब तक रूपरेखा बनाने की आदत नहीं पड़ेगी, आप रूपरेखा नहीं बनाओगे, आप सीधा लिखना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले आप आउटलाइन बनाना सीखिए। जब भी कोई निबंध का टॉपिक मिले, उसकी जो मूल संवेदना है या निबंध का जो मूल है उसको पकड़िए। उसको पकड़ने के बाद में उसके आधार पर आप एक आउटलाइन बनाना सीखिए। जितनी अच्छी आउटलाइन होगी, उतना अच्छा आप निबंध लिख पाओगे। तो इसमें हमने जो आउटलाइन ड्रॉ करनी है, वो डरना नहीं चाहिए के आसपास में करनी है। सबसे पहले तो होती है आउटलाइन में भूमिका। अब ना, जब हम कभी आगे सीरीज में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि भूमिका में आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो। पर दरअसल जो मैं यहाँ बताऊँगा वो ये है कि आप जो भी भूमिका लिखो, उसमें इतना ज़रूर लिख दो, उसमें इतना ज़रूर पता चल जाना चाहिए कि हमें डरना नहीं है या डरना नहीं चाहिए। तो डरना नहीं चाहिए वाले जो फीलिंग है, वो उस भूमिका में आ जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है भूमिका में ये। या फिर आप जो भी कुछ कहानी वगैरह, मतलब भूमिका लिखने के बहुत से तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चलते हुए कभी अगली सीरीज में। तब तक आप ये समझिए कि आप भूमिका में कुछ भी लिख रहे हैं, तो लास्ट में आप ऐसी बात कुछ लिखें जिससे पता चले कि हमें डरना नहीं चाहिए, डरना गलत बात है, यह सिद्ध हो जाए। और उसके बाद में आगे वाला जो मूल भाग है या मुख्य भाग है निबंध का, उससे यह पॉइंट जुड़ जाए हमारा। इतना सा काम करना है भूमिका में। उसके बाद में मुख्य भाग। अब यहाँ मुख्य भाग में डरना नहीं चाहिए के आधार पे हम कुछ बातें लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें डर को डिफाइन करना चाहिए।
परिभाषा कि डर का मतलब है क्या। जब जब तक हमें डर का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक हम लिखेंगे क्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डर और डर की परिभाषा, डर के बारे में कि डर होता क्या है। चलते चलते इस परिभाषा के साथ में हम यह भी बता देंगे कि डर के कारण क्या होते हैं। डर के कारण मतलब बहुत संक्षिप्त में बताना है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ हमें अपने जो पॉइंट है डरना नहीं है इसको एनरिच करने के लिए लिख रहे हैं। निबंध की मुख्य डिमांड ये नहीं है, यह सिर्फ हम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए। तो डर की परिभाषा, डर के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को सफलता असफलता से डर लगता है, किसी को अपने प्रिय का खो जाने का डर लगता है, इस तरह से कुछ भविष्य को लेकर के भी डर रहता है, एग्जाम में फेल होने का डर, बहुत सारे डर हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि डर के कारण क्या होते हैं। तो बहुत सारे डर के कारण हमें यहाँ गिना देने हैं। इसके बाद में हम लगभग मुख्य भूमिका या मुख्य भाग पे आ जाएंगे कि डरना नहीं चाहिए। तो बताएंगे कि डर के परिणाम या डर के प्रभाव क्या होते हैं। डर के प्रभाव परिणाम क्या होते हैं, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दरअसल हम देखते हैं कि कोई डर जाता है ना, जैसे हम जनरली बोलते भी हैं कि जो डर गया सो मर गया। क्यों? क्योंकि डर के कारण बहुत सारे प्रभाव ऐसे हैं जो नेगेटिव टाइप के हैं। जैसे पहला डर का प्रभाव क्या हो सकता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना शायद बंद कर देता है, मतलब उस तरह से नहीं सोच पाता, पूरी तन्मयता के साथ व्यक्ति नहीं सोच पाता है। और डर का ये एक प्रभाव भी है, क्या है कि व्यक्ति पूरी तन्मयता से पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर पाता, पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको थोड़े बता रहा हूँ, सिनॉप्सिस बता रहा हूँ आपको, और बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस मिलेंगे वो आपको खुद को ऐड करने हैं। ये दर जो दो दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, जो हम दूसरा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, दरअसल यह पॉइंट मुख्य पॉइंट है। इस पॉइंट के आधार पर ही हम कहेंगे कि हमने निबंध लिखा है। ये जो भूमिका लिखी है वो लगभग 50 से 60 शब्द की ही होगी, और जो इसके बाद में डर की परिभाषा और डर के कारण बता रहे हैं वो भी 50 से 60 शब्द में पूरे करने हैं। तो इसका मतलब हो गया लगभग 1 या 1.5 पेज के बाद में हम इस पे आ जाएंगे। हमें इसके अलग अलग डायमेंशंस निकालने हैं बहुत सारे। तो डर का जो पहला प्रभाव होगा या परिणाम होगा, पूरी दक्षता के साथ व्यक्ति अपना काम नहीं कर पाएगा, पूरी दक्षता के साथ काम नहीं कर पाएगा तो कार्य सफल होने की संभावनाएं भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। यह तो हो गया एक तरह से, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो यहाँ पर शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हालांकि है तो इसी का प्रभाव, लेकिन इसको हम अलग पॉइंट के साथ में लिखेंगे। यदि कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा तो वो पूरी दक्षता के साथ शरीर को या पूरी मेहनत नहीं कर पाएगा, अपने शरीर से मेहनत नहीं कर पाएगा, तब भी सफलता की संभावनाएं कम हो जाएगी। इसी तरह से आपको पॉइंट्स निकालने हैं, लगभग 5 पॉइंट निकाल लोगे तो आप 500-400 शब्द आराम से इस पे लिख सकते हो। अच्छा, एक बात और जो काम की बात है वो ये है कि आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं साथ साथ में। इनके आधार पे कुछ कुछ जो एग्जाम्पल्स सेट होते हैं उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि कोई मानसिक रूप से आपको कमज़ोर दिखा हो, मानसिक रूप से डर गया हो, डरने के कारण वो फिर सफल नहीं हुआ हो, इसी प्रकार से कोई डर गया हो तो उसका शरीर भी काम करना बंद कर दिया हो, तो शरीर का काम करने का जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो उसके बाद में यह सफलता मिलती है। एग्ज़ाम में हम देखते ही हैं ऐसी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की थकान एक तरह से हो जाती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप डर के बारे में निकाल सकते हो, तो वो निकालिए यहाँ पे। ये तो हो गया मुख्य भाग के 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट्स में आपको निबंध खींचना है पूरा। फिर एक जो पॉइंट हमें अवश्य लिखना चाहिए वो है, जो तीसरा पॉइंट है, मुख्य भाग में लिखो या उससे अलग कर लो, वो है कि वास्तव में डर ठीक बात नहीं है क्या, वास्तव में डरना गलत है क्या। आप ये हर निबंध में कर सकते हो, आपको कोई भी पॉइंट दिया जाता है ना उसके अपोज में कुछ सोच सकते हो तो सोचिए, अगर आप सोच सकते हो तो सोचिए, नहीं तो आप मत उस प्रपंच में मत पढ़िए। लेकिन यदि आप सोच सकते हो उस निबंध के खिलाफ भी, तो उस निबंध के खिलाफ एक आधी बात जरूर आप याद रखिए या याद कीजिए। अब मैं यहाँ जो आपको बताना चाह रहा हूँ आप सोचना एक बार कि वास्तव में डरना गलत है क्या। तो आप यहाँ लिखिए नहीं, डरना गलत नहीं है, कभी कभी डरना सही भी है। अच्छा, क्यों डरना गलत नहीं है? क्योंकि डर लगेगा ना व्यक्ति को, तो व्यक्ति डर के कारण तैयारी अच्छी करता है,
तैयारी के साथ जाता है। हारने का डर होगा तो तैयारी के साथ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अति आत्मविश्वास से बच जाएगा, अति आत्मविश्वास से बच जाएगा। फिर चुनौतियों का विश्लेषण भी करेगा, नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति चुनौतियों का विश्लेषण करेगा नहीं, सीधा जाके भिड़ लेगा, भिड़ेगा तो असफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये काम करता है तो सफलता के चांसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं? बढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कभी कभी डरना गलत नहीं है, डरना सही भी है, क्योंकि व्यक्ति चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। तैयारी के लिए ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति किसी से डरे। अपना इस पॉइंट में आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे भारत की शासन व्यवस्था में चेक एंड बैलेंस का काम है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसका न्यायपालिका को, भारत की जो न्यायपालिका है वो विधायिका से डरे, विधायिका है वो न्यायपालिका से डरे, यह जरूरी है। फिर क्या हो सकता है शासन व्यवस्था में, कि प्रशासनिक अधिकारी है वो राजनीतिज्ञों से डरे और राजनीतिज्ञ है वो प्रशासनिक अधिकारियों से डरे। तो इस तरह से डरना ठीक ही तो है, इस तरह से डरना गलत नहीं है। तो शासन व्यवस्था में आप शामिल कर सकते हो। दूसरा, धर्म और विज्ञान में भी कर सकते हो। विज्ञान डरेगा कि कहीं उस धर्म, कहीं वह धार्मिक रूप से जो बातें हैं गलत कहने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो सत्य ना हो जाए, मतलब साइंस गलत ना हो जाए। और धार्मिक लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं साइंस उन्हें गलत ना प्रूव कर दे। तो ये चेक एंड बैलेंस चलता रहना चाहिए। तो इसलिए एक दूसरे का डर बने रहने से क्या होगा कि जो चीज़ें हैं वो हमारे पास ऑप्टिमम रूप में आती है, मतलब अच्छे रूप में आती है। तो कभी कभी डर ठीक है। फिर हमें फाइनली एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख देना है। इसमें निष्कर्ष आप अपने हिसाब से ठीक मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक आउटलाइन ज़रूर बनाइए। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब तक आउटलाइन नहीं बनाओगे तो निबंध उतना अच्छा नहीं जा कर पाओगे निबंध में, क्योंकि आउटलाइन बनाने से ही बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती है। क्योंकि आउटलाइन बनाने मात्र से बहुत सी चीज़ें ऐसी दिमाग में आएगी जो आपको बताएगी कि आप इसे भी लिखिए, इसे भी लिखिए। उस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप जब ऐड कर लोगे तो निबंध एनरिच हो जाएगा। सबसे पहला काम तो मैंने आपको बताया है कि हमें निबंध की आत्मा को समझना है, निबंध किस विषय पर लिखना है, उस चीज़ को समझना है, उस टॉपिक को समझना है, फिर उस टॉपिक को एनरिच करने वाली या उसको पोषित करने वाली चीज़ों को डालना है। जो पोषित नहीं करेगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें निबंध के टॉपिक से बहुत दूर नहीं जाना है या बहुत खिलाफ नहीं लिखना है जो कि बहुत ज़्यादा एनेथिक टाइप का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए अच्छा। आगे जब भी हम बात करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हम भूमिका में क्या क्या लिख सकते हैं, किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं। मैं अपना तरीका भी बताऊंगा कि मैं भूमिका को कैसे मैनेज करता था। थैंक यू।